वालेकुम। सब दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि ये BISP क्या है। BISP एक ऐसा अदारा है जो ज़कात, बैतुल माल और ट्रस्ट पे चल रहा है और जिसमें ऐसे 8 लाख अफराद शामिल थे जिनके अपने घर थे, जो बाहर से सफ़र भी करके आए हैं। ये उनके लिए वीडियो बनी है। तो जैसा कि अब इन्होंने नादरा के साथ मिलकर जिस तरह डेटा निकलवाया और इन्हें पता चला कि इतने 8 लाख अफराद जो हैं जिनके घर वाले बिरौने मुल्क भी गए और जिन्होंने 1000 से ज़्यादा मोबाइल बैलेंस इस्तेमाल भी किया, और लिहाजा इन्होंने नादरा के साथ मिलकर टोटल रिकॉर्ड जो है ना निकाला और उसके बाद अब न्यू कार्ड का जरा शुरू करना है इन्होंने। उम्मीद करता हूँ 1 महीने तक ये न्यू कार्ड का इजरा करेगा जिसका फॉर्म नेट पर भी है, आप डाउनलोड करके फिल करके और वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिस तरह ये देख सकते हैं ये गूगल क्रोम है और ये BISP की वेबसाइट है। इसे ओपन करते हैं आप और ये सारी आपके सामने ये शो होगी। अब जैसा कि ये आपके मोबाइल फ़ोन पे भी SMS वगैरह आते होंगे कि आपका इतना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपके इतने पैसे निकले हैं, इतना नाम निकला है, आप इस नंबर पे कॉल करें। वो 2 नंबर है जो उठा है, लिहाजा किसी को मैसेज आए तो वो इस नंबर पे जो है वो भेज सकता है। और अब ये इन्होंने BISP जो के गुज़श्ता हुकूमत ने बनाया था, अब इन्होंने एहसास पाकिस्तान का नाम दे दिया गया है, वसीला तलीम, जिसका फॉर्म आपको इधर ही मिल जाएगा। आप इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप PDF में इसका जो फॉर्म पड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता चलूं। ये PDF फाइल है, डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म, इसे ओपन करेंगे, मेरे पास पहले ही मौजूद है। जिस तरह के ये देख सकते हैं आप, ये साइड पे एक तस्वीर लगी हुई है, BISP डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म है। उसके बाद है फर्स्ट पे आता है नेम ऑफ रिक्वेस्टर, दूसरे पे आता है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कि क्या करते हैं आप, तीसरे पे आता है मेलिंग एड्रेस, फोर्थ पे आता है ऑफिशियल फ़ोन नंबर, फाइव पे आता है मोबाइल नंबर, सिक्स पे आता है ईमेल एड्रेस। जैसा कि आपके पास कॉपी है ID कार्ड वगैरह की, वो आप कॉपी वगैरह लगा सकते हैं। सी डेटा रिक्वायरमेंट प्रोवेंस, ये मतलब है इधर आपने लिखना है पंजाब डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह के मैं लाहौर में रहता हूँ इधर लाहौर, तहसील इधर भी लाहौर आएगा, और ये UC वार्ड नंबर के जो, जैसा कि आपका मेरा वार्ड नंबर 2 है और आपका पता नहीं कौन सा होगा। ये इधर डेटा रिक्वायरमेंट होगा, बेनिफिक्री डेटा लिस्ट होगी, बेनिफिक्री डेटा सिलेक्टेड होगा, और उसके बाद नीचे चले जाएं और ये बेनिफिक्री नॉन बेनिफिक्री डेटा थ्रू PMT स्कोर, इस तरह के ये आपके सामने ये फॉर्म शो होगा। आप इसे डाउनलोड करके इधर आप डेट डालेंगे, इधर आप सिग्नेचर कर देंगे साइड पे।
और ये जो है आप TCS भी करवा सकते हैं, इस एड्रेस पे भी भेज सकते हैं, सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में। और आपका नया कार्ड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।